नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा सिंह और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में, एक रोचक वीडियो में। दोस्तों आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर की जितनी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पुराना किले। जी हाँ दोस्तों, ये दिल्ली में मौजूद है, भारत की नई राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे ये स्थित है, जो कि बहुत ही पुराना यह किला है। तो इस किले के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है शिवा सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवा सिंह ब्लॉग पर। दोस्तों दिल्ली के सभी किलों में सबसे पुराना होने के साथ साथ यह दिल्ली की सभी संरचनाओं में भी सबसे पुराना किला है। दोस्तों यह इंद्रप्रस्थ नामक स्थान पर स्थित है, जो कि एक विख्यात शहर हुआ करता था। किले के तीन बड़े द्वार हैं तथा इसकी विशाल दीवारें, इसके अंदर एक मस्जिद भी स्थित है जिसमें दो तले अष्टभुज स्तंभ हैं। हिंदू साहित्य के अनुसार यह किला इंद्रप्रस्थ के स्थान पर है, जो कि एक समय पर पांडवों की विशाल राजधानी हुआ करती थी, जबकि इसका निर्माण अफगानी शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसने मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं की इस किले की सीढ़ी से नीचे गिरने के कारण दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। प्राचीन किले को यमुना नदी के किनारे पर पांडवों द्वारा खोजा गया था, जो कि 5000 साल से भी अधिक पुराना है। सबसे हालिया उत्खनन से इस बात का खुलासा हुआ है कि यह किला पूर्व मौर्य साम्राज्य के समय तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। शोधार्थियों ने इस बात की पुष्टि की है कि पुराना किला की चार दीवारी के अंदर इंद्रप्रस्थ नाम का एक छोटा सा पुरवा था। ऐसा भी माना जाता है कि हुमायूं की राजधानी दिनपनाह भी यही स्थित थी, जिसे बाद में भारत के प्रथम अफगान शासक द्वारा जीर्णोद्धार करके शेरगढ़ नाम दिया गया। इसके साथ ही भारत के अंतिम हिंदू शासक साम्राज्य हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू द्वारा 1556 ईस्वी में अकबर की सेनाओं को दिल्ली और आगरा में परास्त करने के पश्चात उनका राजतिलक इसी महल में हुआ था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यह किला हुमायूं, शेरशाह और हेमचंद जैसे शासकों जिन्होंने यहाँ से शासन किया के लिए अशुभ या पुराना किला के आसपास कई रोचक इमारतें हैं। जो किला है शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया किला, एक वहाँ मस्जिद है, अष्टभुजाकार लाल बलुए पत्थर से बनी है। दोस्तों बहुत ही कम समय के लिए कई बादशाहों और शासकों ने इस किले पर शासन किया था और फिर इस पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। सन 1920 के दशक में जब एडवर्ड लुटियन ने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया तो उन्होंने राजपथ को पुराना किला से जोड़ दिया। भारत के विभाजन के समय इस किले ने मुसलमानों के लिए शरणार्थी शिविर के रूप में कार्य किया था। 1970 के दशक में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने इस किले का इस्तेमाल किया। इसके बाद धीरे धीरे यह किला संस्कृति कार्यक्रमों और संगीत कार्यक्रमों की मेज़बानी का केंद्र बन गया। दोस्तों हम इस किले से रिलेटेड और हम बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गया तो कौरवों के पिता धृष्टराज ने पांडवों को यमुना के किनारे खंडप्रस्थ का क्षेत्र दे दिया। वहाँ उन्होंने समुद्र जैसे गड्ढों द्वारा घिरे हुए एक नगर को बनाया, उसकी रक्षात्मक प्राचीरें बनाई। विद्वानों का मत है यह है कि पुराना किला की रूपरेखा भी इसी प्रकार की थी। इससे भी स्पष्ट होता है कि इंद्रप्रस्थ एक नगर का नाम था जो पुराना किला के स्थान पर बसा था, और जिस क्षेत्र में यह स्थित था उस क्षेत्र का नाम खंडवाप्रस्थ था। एक और प्रसंग है कि इसके अनुसार पांडवों को कौरवों से 5 गांव मांगे थे। ये वे गांव थे जिनके नामों के अंत में जो संस्कृत के प्रस्थ का हिंदी साम्य है। ये पत वाले गांव इंद्रपत, बागपत, तिलपत, सोनीपत और पानीपत। यह परंपरा महाभारत पर आधारित है। जिन स्थानों के नाम पर दिए गए उनके ओखला नहर के पूर्वी किनारे पर दिल्ली की दक्षिणी में लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर तिलपत गांव स्थित है। इन सभी स्थलों से महाभारत कालीन भूरे रंग के बर्तन मिले हैं। आप दिल्ली किसी भी माध्यम से पहुंच सकते हैं। दिल्ली शहर मेट्रो और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। पुराना किला जाने के लिए सबसे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है, प्रकृति मैदान मेट्रो स्टेशन, जो ब्लू लाइन पर स्थित है।
किला मेट्रो से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। मेट्रो स्टेशन से किला जाने के लिए आप स्थानीय बैटरी से चलने वाले रिक्शा को किराए पर ले जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ का जो टिकट है वो 20 रुपये है। आप यहाँ पे आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, जैसे हौज खास आप जा रहे हैं तो हौज खास में भी ऑनलाइन टिकट की वो है व्यवस्था, वहाँ पे भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टिकट आप बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे जैसे एक यूट्यूबर हैं तो आपको एक बात की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ट्राइपॉड वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं पूरे तरीके से वीडियो शूट नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपना सपोर्ट देना मत भूलना। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए।